अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा फीस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इजी वे टू स्टार्ट सेलिंग ऑन वालमार्ट। वालमार्ट पे कैसे सेल की जाती है, क्या तरीका कार है, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपको पूरा स्केड्यूल समझा दूंगा। मैं वालमार्ट का एक VIP स्केच आपके जहन में बना दूंगा। इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। नंबर 1 पे अगर आपको वालमार्ट पे बिजनेस करना है, आपको रहना होगा कंसिस्टेंट, आपको चूज करना होगा मॉडल, कौन से वाले मॉडल पे आपको काम करना है, रिटेल आर्बिट्राज करना है, आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है। आपकी जेब में अगर 2500 या $3000 हैं, आप इजीली वॉलमार्ट से अपनी मनी को डबल कर सकते हो, अपने पैसे को आप डबल बना सकते हो। तरीकाकार क्या है? नंबर 1 पे आपको बनानी है $300 में LLC। नंबर 1 पे LLC इजीली बन जाती है। आपको एक इजी स्टेट बताता हूँ, मोंटाना USA की एक वेबसाइट है जहां पर USA की एक स्टेट है जहां पर आप इजीली $250 से $300 में आप LLC बना सकते हो। नंबर 2 पे आ जाओ, प्रोफेशनल वेबसाइट। वेबसाइट पे आपका खर्चा हो जाएगा तकरीबन $400 के करीब करीब। वेबसाइट आपकी कैसी होनी चाहिए? ऐसी वेबसाइट ना हो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 2 नंबर वेबसाइट चली हुई है आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। एक मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। लोग क्या करते हैं, ब्यूटी की वेबसाइट बनाते हैं, ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उठाकर लगा देते हैं, और वो वेबसाइट होती है सिर्फ 10,000 से 15,000 पाकिस्तानी रुपीज में बनने वाली। ठीक है, आपने वैसी वेबसाइट नहीं बनानी। तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे होगी और आपका जो वालमार्ट का जो स्टोर है वो नंबर पहले ही बारी पे आपका अप्रूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगी और नंबर 10 पे जाकर ना आपको यहाँ पर गूगल के जो पेजेस होते हैं, नंबर 10 पर जाकर आप अगर यहाँ से फाइंड करते हो ना, तो आपको काफी थर्ड क्लास वेबसाइट नजर आएंगी जिनका काफी पुराना सा टेम्पलेट होगा और जो प्रोडक्ट्स लगी होंगी वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लगी होती हैं। ठीक है, तो आपने ऐसी वेबसाइट को अवॉइड करना है। अब मैंने एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपके सामने ओपन किया, walgreens.com। ये वेबसाइट देखना, और जो लोग वेबसाइट बनाकर वालमार्ट पे सबमिट करवाते हैं वालमार्ट अप्रूवल के लिए, वो वेबसाइट और इस वेबसाइट में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या करते हैं, टेम्पलेट कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रांड्स नजर आ रहे होंगे जो इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं। ओले है, सरावे है, लॉरियल है, उसके अलावा मल्टीपल है। ठीक है, तो जब भी किसी वेबसाइट को ओपन किया जाता है ना, सबसे पहले उसके ब्रांड नजर आते हैं और वो ब्रांड्स आपके पास पड़े होने चाहिए, फिर जाके आपका वालमार्ट सेलर सेंट्रल अप्रूव होता है। सबसे मुश्किल काम है वालमार्ट सेलर सेंट्रल अप्रूव करना, जिसके लिए LLC चाहिए। बेशक न्यू हो जाए चलेगी, वेबसाइट आपने बनानी है शॉपिफाई पे। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है मेरा वेबसाइट का, शॉपिफाई पे जाओ, एक वेबसाइट बनाओ, थीम बाय करो, 4-5 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लगाओ उसके ऊपर, चाहे आप 10-10 की क्वांटिटी आप लिस्ट कर दो, लेकिन हो प्रोडक्ट ब्रांडेड। उसके ऊपर आप सेल ग्रैब करो। सेल ग्रैब करने के बाद जैसे ही आप ऑर्डर हैं आपने डिस्पैच करने हैं, आपके जो सेल है तकरीबन 2,000, 3,000, 5,000 डॉलर के करीब करीब आपने ग्रैब करनी है। तकरीबन 1 महीना आपने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है। उसके बाद शॉपिफाई वेबसाइट का जो लिंक है वो आपने कॉपी करके जाके वालमार्ट का जब सेलर सेंट्रल बनाते हैं वहां पर आपने दे देना है, फौरन से आपका वालमार्ट सेलर सेंट्रल बन जाता है। तरीका कार ये है, मैंने मल्टीपल वालमार्ट अप्रूव कराए हैं, स्ट्रेटेजी मेरी यही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए मेरे भाई $3,000 से, इजिली लिस्ट अमाउंट से आप स्टार्टअप ले सकते हो। उसके बाद हमने निकाला था टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। आ जाओ, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स कौन से वाले होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, इजिली आपको मिल जाते हैं। आपको पता है अंग्रेज जो होते हैं, ये गोरे, इनको बिल्लियां पालने का शौक होता है, कुत्ते पालने का शौक होता है। इनको जो है ना अपने से ज्यादा प्रोटोकॉल ये इनको देते हैं, ये पेट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं पेट फूड, तो टॉप रेटेड ब्रांड है ना जो USA में सबसे ज्यादा बिकने वाला खाने पीने का सामान पेट में, ये आपको यहाँ पर नजर आता है। वालमार्ट से लेते हैं लोग नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आता है अमेजोन, तीसरे नंबर पे आता है ईबे। आपको रेटिंग्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नंबर 1 पे $72 का सिर्फ डॉग फूड है, डॉग फूड, और ये भी कोई 1 kg का है या मे बी 1.5 kg का। ठीक है, $72 में वो बाय कर रहे, रेटिंग चेक कर रहे हो, 1415 रेटिंग है। ठीक है, और अगर इस सेलर की डिटेल देखी जाए तो ये सेलर 1 या 2 साल पुराना होगा। ट्रेंड आप खुद ही देख लो वालमार्ट के ऊपर कितना हाई ट्रेंड है। प्रोडक्ट आपने चूज करना है टॉप रेटेड, जो अमेजोन जो वालमार्ट के ऊपर ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है, जो बिक रहा है, कंपटीशन लो हो, सेलिंग ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे डबल हो। समझ आई? अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मिल रहा है वो 50 से
80% तक आपका होना चाहिए जिसको आप एज अ प्रॉफिट में काउंट करोगे, ठीक है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% से कम है, आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। आ जाओ आगे चलते हैं। अब उसके बाद है चूज द मॉडल। अब एक होता है फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट, एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट जो कि सेलर खुद होता है। अब सेलर की अपनी मर्जी है कि वो अपना इन्वेंट्री बाय करे और वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भेज दे। वॉलमार्ट फिर उसको जो है पिक पैक करता है, कस्टमर तक शिप करता है, खुद से ऑर्डर भी टैकल करता है, खुद से ट्रैकिंग भी टैकल करता है। लेकिन मैं इस मॉडल को बेकार कहता हूँ, क्योंकि इस मॉडल में हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलता। वॉलमार्ट चार्जेस बहुत ज्यादा लेता है, हम लोग करते हैं खुद से शिपमेंट। सपोज करो मैं वॉलमार्ट पे बेच रहा हूँ, अब मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, पहले वाला ही कर लेता हूँ, मैं आगे पीछे जाता ही नहीं, पहले वाला ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैं आपको ऐसे रिटेल वेबसाइट से निकाल कर दिखाऊंगा जहां पर ये इसकी आधी कीमत के करीब करीब बिक रहा होगा, और इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा सेलिंग प्राइस में और बाइंग प्राइस में, ठीक है। अब सेल हो रहा है $72 का। अब मैं ये आपको यहाँ से गूगल करके दिखाता हूँ, मेरे पास वॉलमार्ट पे ऑर्डर आता है, मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल करता हूँ प्रोडक्ट को, देखता हूँ सोर्स कहाँ कहाँ से मिल रहा है मुझे, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ईजी है। नंबर 1 पे यहाँ पर मुझे जो वेबसाइट नजर आती है, जाकर देखता हूँ कितने का बेच रहा है, रेटिंग क्या है, कितने दिन में शिपमेंट देगा। शिपमेंट आपको 8 से 10 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती है, ठीक है। अब अमेजोन पे देखा जाए $72 का है। आगे चलें अगर हम लोग, तो ये एक वेबसाइट है जो यही वाला प्रोडक्ट है लेकिन वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, ये $14 में दे रहा है। आगे चलते हैं, वॉलमार्ट के ऊपर हमें दिखा रहा है एक वेबसाइट और है, ये सारी जो है ना, ये चैवेट.com, ये वो वाले ब्रांड्स हैं जो मतलब के पेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पेट को वेबसाइट है जहां पर 69 का बिक रहा है, मतलब के प्राइस में अभी तक कोई खास फर्क नहीं आया। अगर मैं ये टारगेट ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्क दिख रहा है। टारगेट ओपन होता है हमारा वीपीएन के ऊपर, तो अभी वीपीएन मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको $35 तक मिलेगा, लेकिन इसमें वेरिएशन कौन सी है पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आकर, के कितने केजी का है। 34 LB का एक बैग है, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कितने LB का है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 LB का बैग दे रहा है हमें, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर मुझे फिलहाल दूसरे सप्लायर नजर आ रहे हैं जो तकरीबन सेम प्राइस पे दे रहा है, ये भी 73 का दे रहा है या 64 का दे रहा है, ठीक है। तो क्यों ना मैं आपको एक VIP सप्लायर बताता हूँ, वहां पर जाके आप सर्च करो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैम्स क्लब, सैम्स क्लब, ठीक है। अभी सैम्स क्लब के ऊपर अगर ये अवेलेबल होगा तो आ जाएगा, सैम्स क्लब के ऊपर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखो सैम्स क्लब खुल गया आपके सामने, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कितने LB का है, 38 LB एक LBS का बिक रहा है यहाँ पर। सैम्स क्लब ओपन हो गया मेरे सामने। अच्छा ये सोर्स है। अब हम लोग किस तरह से करते हैं वॉलमार्ट के ऊपर काम, हम लोग काम करते हैं। अब पहले आप प्राइस देख लो, यहाँ पर प्राइस अभी 38 पाउंड का है और यहाँ पर 37 पाउंड का है, तो क्वांटिटी अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए। 34 LB का है और ये कितने LB का है, 38 LB का। टाइटल आपने रीड कर लेना है, पिक्चर्स देख लेने हैं, प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, ठीक है, प्रोडक्ट शुड बी या मस्ट बी, यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसके लिए माजरत, गलतियाँ नहीं निकालनी है आपने। तो यहाँ पर अगर प्राइस देखी जाए, प्राइस अभी मुझे शो नहीं कर रहा, जब मैं इसको साइन इन करूँगा ना तो उसके बाद ये मुझे प्राइस दिखाएगा, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ अगर हो गया तो। अच्छा यार मैंने बड़ी कोशिश किया है कि साइन इन हो जाए, साइन इन जो मेरी पुरानी आईडी थी मेंबरशिप, वो मेंबरशिप एक्सपायर हो गई। तो हम लोग जितना भी वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट सोर्स करते हैं 95% हम लोग सैम्स क्लब से लेते हैं, रिटेल आर्बिट्राज हो या ड्रॉप शिपिंग हो, प्राइस में आधा फर्क होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ सैम्स क्लब को, तो यहाँ पर आपके सामने मैं लाइव जो है वो डॉग फूड निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरी, आप पुरानी वॉलमार्ट की जितनी भी कोर्स की वीडियोज है वो आप निकाल कर देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग सोर्सिंग कैसे करते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सेलिंग कैसे करनी है, स्टार्ट सेल करने से पहले आपको क्या कुछ करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना डॉग फूड, तो आपको जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे और जो आपको वॉलमार्ट में नजर आएंगे,
प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, एक ये है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं जावे.com को। तीसरा हम लोग यूज करते हैं target.com को। इसके ऊपर कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जितनी देर में पेज ओपन होता है, हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हमें रिटेल आर्बिट्राज करनी चाहिए या ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और हमारे पास ऑर्डर जैसे ही आता है, हम लोग सेल्स क्लब पे जाते हैं, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस, फोन नंबर सारा कुछ देते हैं। प्रोडक्ट यहाँ से समटाइम डायरेक्टली भी शिप हो जाता है और समटाइम हम लोग टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। नंबर 1 पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग है, जिसको मैं ज्यादा लाइक नहीं करता। मैं लाइक करता हूँ टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग को, कि आप सेम्स क्लब से बाय करो, यहाँ से मेंबरशिप कार्ड मिलते हैं जिसमें 5% 10% का ऑफ मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5% या 10% वाला जो कार्ड है वो आप ले लो। आपको यहाँ से ये वेबसाइट खुद प्रोवाइड करती है, लीगल है सारे। आप जैसे ही ऑफ पे कार्ड परचेज करोगे, आप जो भी ऑर्डर लोगे उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब $3-4 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जो प्राइस लगी होती है उससे भी कम हो जाता है। तो आप यहाँ से जब बाय करते हो, प्रोडक्ट आपके घर पे आता है, आप उसे दोबारा से डब्बे में डाल के पैक करते हो, लेबल लगाते हो और आप खुद उसे शिप करते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग। दिस इज सेफ, 100% सेफ। उसके बाद है रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है जनाब, प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले 20-20 की क्वांटिटी लेके घर पे रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, सीजर सीजर ब्रांड का जो डॉग फूड है 40 काउंट का, इसको अगर हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं अलग गूगल पे, ये हमें अमेजोन पे नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अमेजोन पे नजर आएगा। यहाँ पर 48 का था, अमेजोन पे थोड़ी प्राइस हाई होगी इसकी। अच्छा, हम लोग रिटेल आर्बिट्राज में क्या करते हैं, सॉरी वालमार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वालमार्ट की हम लोग जैसे ही बात कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर 68 का अवेलेबल है, सेम चीज है। और ये देखो, ये और ये, इसको आप ओपन करो। समटाइम क्या होता है, बॉक्स जो है वो चेंज होता है, बॉक्स चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जो क्वांटिटी है, वो सेम होती है। तो इस चीज को आपने, हमारा जो मेन चीज होता है वो होता है टाइटल। 40 काउंट एट 3.5 आवर्स है, यहाँ पर अगर देखा जाए 3.5 आवर्स 40 काउंट्स, $48 में मिल रहा है। वॉलमार्ट पे बिक रहा है कितने का, 68-62 के करीब करीब बिक रहा है। ये देखो, एक मिनट रुकिएगा, 29 दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। ये देखो 68 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी जो दूसरी वेरिएशन है ना, वेरिएशन का फर्क हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 68.78 डॉलर्स। तो अगर मैं कंपेयर सेलर्स के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखो आप, एक बंदा 68 का बेच रहा है, दूसरा बंदा भी, तीसरा भी 68 का, पांचवा भी, छठा भी 74 का सेल कर रहा है। 74, 6-7 सेलर बैठे हुए हैं। 29 का बेचने वाला कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सोल्ड एंड शिफ्ट बाय ओक भी ला रहा है। पता नहीं ये क्यों इतनी कम प्राइस में बेच रहे हैं, मे बी बाय बॉक्स ग्रैब करना हो इसने। ठीक है, तो 68 का वॉलमार्ट पे बिक रहा है, 48 का वहां से अगर आप लेते हो, $4 माइनस कर दो। अगर आप डिस्काउंट पे बाय करते हो तो तकरीबन 44 हो गया, आपको शिपिंग वगैरह डालकर तकरीबन ये पड़ जाता है 47 या 48, 49 के करीब करीब पड़ जाता है। शिपिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, लेबल वगैरह करने में आपको इतना लग जाता है, $5-1 लग जाते हैं। ठीक है, तो पीछे जो बचता है टोटल प्राइस का, 15% वॉलमार्ट चार्ज करता है, $50 माइनस कर दो। तकरीबन जो बाकी, मेरे हिसाब से अंदाजे के मुताबिक जो बच रहा है हमें, वो आइडियली कोई $2 या $3 का प्रॉफिट पीछे बच रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत कम है। खैर, जब हम लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉपर हंटिंग करते हैं। दिस इज जस्ट आइडिया, मैंने आपको फर्क दिखाया प्राइसेस में, दोनों साइडों पे प्राइस का फर्क था, आपको नजर आया, आपको प्रॉफिट भी मैंने बताया। अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे, आपको प्रॉफिट $1 या $2 के करीब करीब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन के मुताबिक मिलेगा। मेरी आप हंटिंग वाली वीडियो देख सकते हो। अच्छा, देखो आगे, अब रिटेल आर्बिट्राज का मैं आपको बता रहा था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में बल्क में हम लोग 20 या 40 यूनिट बाय करके किसी वेयर हाउस में रखवा देते हैं, या अपने घर पे किसी अपार्टमेंट पे जहां हम रह रहे हैं वहां रख लेते हैं, वहां पर रखते हैं। और जैसे ही हमें ऑर्डर आता है, हम लोग लेबल लगाते हैं, सेंड करते हैं, लेबल लगाते हैं, सेंड कर देते हैं। और बल्क में जब हम लोग बाय करते हैं ना,
और बल्क में जब हम लोग शिपिंग करते हैं हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं एक दिन के 20 ऑर्डर आते हैं मेरे पास और 20 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, 20 मैं और बाय करता हूँ, सेंस क्लब से लेता हूँ या इसका जो ऑफिशियल सप्लायर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे लेता हूँ, तो वो मुझे ऑफ पे देता है। 5%, 10%, 15% पे ऑफ इजीली हो जाते हैं। जो भी रिटेलर होगा, जो मतलब कि ऑफलाइन आपको सेल कर रहा होगा, हमेशा वो आपको प्राइस थोड़ी चेंज होगी, उसकी प्राइस कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। मैं खुद से जो वेयर हाउसेज वाले हैं उनसे प्रोडक्ट्स लेता हूँ, जो आम सेल प्राइस होती है ना, होलसेल प्राइस होती है, उससे कम रेट पे वो हमें देते हैं। जब हम लोग 100 यूनिट बाय करते हैं, 200 यूनिट बाय करते हैं, मैं तो 1,000 1,000, 2,000 यूनिट भी बल्क में बाय करता हूँ, 25%, 30% डिस्काउंट के ऊपर जो है वो हमें देते हैं, क्योंकि हम लोग बल्क में बाय करते हैं। अगर हम लोग 500 यूनिट बाय करेंगे तो 20% डिस्काउंट होगा, अगर 1,000 यूनिट बाय करते हैं 25% डिस्काउंट होगा। इस तरह से वो हमें कम करके देते हैं, क्योंकि हम लोग बल्क में बाय करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप 5% पे, 2% पे, 4% पे, जितना आपको डिस्काउंट मिलता है आप लोग, ठीक है, जो आपको सप्लायर दे रहा होता है। तो ये तरीका था, एक है रिटेल आर्बिट्राज, एक है टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग। दोनों मॉडल्स को मैं लाइक करता हूँ। आप अगर डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करोगे, सेलर सेंट्रल आपका उड़ सकता है, वॉलमार्ट का, ठीक है। और सारी कहानी जो थी वो ये थी, नंबर 1 पे LLC मस्ट है, नंबर 2 पे प्रोफेशनल वेबसाइट, टोटल आपका $700 लगता है, और उसके बाद आपका वॉलमार्ट का स्टोर बिल्ड हो जाता है, बाकी पैसे जेब में रखो, जब प्रोडक्ट हंट कर लो, लिस्ट करो उसकी, आप इन्वेंट्री बाई करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टार्ट सेलिंग ऑन वॉलमार्ट इजी वे, ठीक है। बाकी कोई सवाल जवाब आप मेरे से पूछ सकते हो। वॉलमार्ट का जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमने वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, तो उसका प्रॉपर कोर्स मेरे पास अवेलेबल है, जो कि पेड है, 15,000 रुपये में आपको मिलेगा। कंप्लीट सारा उसमें बताया गया है, कैसे आपने लिस्ट करनी है, कैसे आपने सोर्स करनी है, ये सारा इसमें, ये फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा मेरी गूगल ड्राइव में, ठीक है। आप सोर्स कैसे करते हो, टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग में हम लोग 3PL डिस्पैचिंग कैसे करते हैं, लेबल कैसे बनाते हैं, लेबल चिपकाते कैसे हैं, बॉक्स किस साइज का होना चाहिए, कस्टमर को शिप करने इससे पहले पहले कौन कौन सी चीजें हमें रीड करनी है, कस्टमर को जब शिप हो जाए उसके बाद हम लोग अगर कभी क्लेम लग जाता है रिटर्न का, रिफंड का, तो उसको कैसे मैनेज करना है, अपील कैसे बनानी है, समटाइम ड्रॉप शिपिंग में ड्रॉबैक्स आते हैं तो आप उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हो। कंप्लीट एक एडवांस लेवल का कोर्स आपको मिलता है, ये आपको 15,000 रुपये में मिलेगा। किस तरह मिलेगा आपको, मेरी गूगल ड्राइव आपसे शेयर कर दी जाएगी आफ्टर पेमेंट। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।